बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कराते रहें। पहले वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर लें, फिर आपने फुल वॉच करनी है, फिर आपने शेयर करनी है। ओके गाइस, आज गोश कर के किचन में बनने लगे हैं, स्टार्टर बनने लगा है, शीजवान पोटैटो स्पाइरल बनने लगे हैं और इतने जमी के बनेंगे गाइस, बस चटपट बन जाएंगे। उसके लिए मैंने पोटैटोज़ लिए थे 3, और ये देखिए ऐसे मैंने से वो ग्रेटर की मदद से ना ऐसे कट कर लिया बारीक सा ना, और थोड़ा सा साल्ट लगा के ना इसे मैंने रखा है। और ये जाएगा मैदा 3 टेबलस्पून, कॉर्नस्टार्च 3 टेबलस्पून, और साल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, और शीजवान कैचअप 2 टेबलस्पून। ठीक है, हम उठाएंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे, और ये ऐसे काटेंगे। ठीक है, फिर दूसरा पीस उठाएंगे, फिर ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, और इसे हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, एक हम इधर से लेंगे और एक इधर से लेंगे, ऐसे सारे रेडी करते हैं। ये देखें गाइस, ये डन हो चुके हैं। अब सिलेरी रेडी करते हैं। ये मैदा जाएगा, साथ ही कॉर्नस्टार्च जाएगा, साल्ट जाएगा, ब्लैक पेपर, शेजवान केचप। अब इसकी एक थिक सी सिलहरी रेडी कर लेते हैं, वाटर ऐड करते हैं। ये देखें गाइस, सिलहरी हो चुकी है डन। ये इतनी हमने रखनी है। अब एक हम स्टार्टर उठाएंगे, स्पून की मदद से अच्छी तरह इसे करेंगे, और ये डीप फ्राई करते हैं। इसमें जाएगा आयल। ये देखिए, ये ट्रेंड किया मैंने, कितने ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह। अभी 4 मिनट इधर से भी कुक करेंगे। हमारे हो चुके हैं डन, और इतने जमी इनके लुक चेक करें, वाओ क्रिस्पी। देखिए गाइस, माशाल्लाह हमारे स्टार्टर हो चुके हैं डन, और इतने मजे के गाइस। आप शेजवान केचप के साथ ही इसे ईट कीजिएगा, और आपने कहना वाओ मज़ा ही आ गया। रेसिपी को फुल वॉच करना, लाइक करना, शेयर करना, आपने मस्त ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना आपके कैसे बने। ओके, अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टाटा, ओके।